राजधानी रायपुर के बिलासपुर बाईपास हादसों की सड़क में तब्दील हो गई है। रात के समय अवैध पार्किंग में वाहनों के बेतरतीब खड़े होने के कारण सड़क पर तेज गति से चलने वाले वाहन चालक इनसे टकराकर मौत के आगोश में समा जाते हैं। वहीं जिम्मेदारों पर भी अवैध पार्किंग पर कार्रवाई करना बंद कर दिया है। मामले में मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन ने। की सड़कों पर नो पार्किंग में खड़े वाहनों की वजह से लगातार सड़क हादसे के मामले सामने आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रायपुर बिलासपुर के बाईपास की, जहां पर आप देख सकते हैं बेतरतीब ट्रकों की पार्किंग की वजह से लगातार सड़क दुर्घटनाएं जो है वो सामने आ रही है। नो पार्किंग है, बीच सड़क पर जो है वो ट्रकों को यहां पर पार्क कर दिया जाता है। रोजाना देखा जाता है 100 से ज्यादा ट्रक इसी सड़क पर जो है वो खड़े रहते हैं नो पार्किंग में। इसके अलावा सर्विस रोड को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लगातार सड़क हादसे जो है वो हो रहे हैं। बताया जा रहा है इस रोड पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं होने की वजह से तेज रफ्तार में आ रहे वाहनों को ट्रक दिखाई नहीं देता है और खड़ी ट्रक पर वाहनों की टक्कर हो जाती है, जिसके चलते अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं जिम्मेदार अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, जिसके चलते ये गलत तरीके से यहाँ पर पार्किंग जारी है और लोगों की जाने भी जा रही है। देखना होगा क्या कुछ जिम्मेदारों द्वारा कब तक कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद हसन, NH 24/7 रायपुर। तो बिलासपुर बाईपास हादसों की सड़क में तब्दील है। देखना होगा कि कब तक पुलिस इन ट्रकों को, अवैध वाहनों को यहां से हटाती है और राहगीरों को सकुशल यात्रा का प्रबंधन देती है।